बच्चों, हमने बात की थी शंकु के आयतन के लिए एक गतिविधि की। तो ये देखिए, यहाँ पर जो शंकु हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये शंकु है वो, और इसी शंकु की जो ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई, उसको लेकर और उसके आधार के क्षेत्रफल के बराबर, यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंट शीट से हमने एक बेलन बनाया हुआ है और उसे एक ये जो सीडी का बॉक्स है इसका सपोर्ट दिया हुआ है। अब हम जो गतिविधि करेंगे उसमें हम शंकु के आयतन और बेलन के आयतन के बीच में एक संबंध को भी समझेंगे। उसके लिए देखिए, मेरे पास यहाँ पर इस कंटेनर में सूजी है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप रेत का, रंगोली का या आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इसके लिए इस शंकु को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये शंकु को हमने बाहर निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, सूजी को हम शंकु में भरते जाएंगे और भरे हुए इस शंकु को हम इस बेलन में पलटते जाएंगे। हमें यह देखना है कि कितनी बार में ये बेलन जो है वो सूजी से भर जाता है। ठीक है, शुरू करें। तो ये देखिए, इसके लिए हम इस बेलन में सूजी डाल देते हैं। इसके लिए ये देखिए, हम इस शंकु में सूजी डाल देते हैं, इसे भर लें अच्छी तरह से, पूरी तरह से ये भरे ताकि हम आयतन में जो संबंध है वो हमें सटीक मिल पाए। थोड़ा और डालकर ये देखिए, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा शायद। अब ये बराबर हो गया, देखिए इसे इस तरह से सतह को आप बराबर करके चेक कर लें कि आपने शंकु पूरी अच्छी तरह से भर लिया है कि नहीं सूजी से। ये देखिए, ये बराबर है। ठीक है, तो अब मैं इसे डाल सकती हूँ। ये देखिए, पूरा ये बराबर है, सतह हमने पूरी भर ली इसकी। और अब इसे हम पहली बार ये पूरा, ये देखिए, ये डाल रहे हैं, हमने डाल दिया। अब हम दूसरी बार इसको भर लेते हैं क्योंकि अभी बेलन में तो जगह है। इसे फिर से ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक बेलन में पूरी तरह से सूजी ना भर जाए। देखिए, थोड़ा सा और, अब हमें इसको लेबल करना होगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी लेबलिंग कर ली है और ये बिल्कुल बराबर सतह जो है वो हमारी प्लेन सतह हमको मिल गई। अब इसे फिर से डाल लें। तो चलिए डालते हैं। ये हमने इसे डाल दिया। चलिए, अभी भी बेलन में जगह है तो हमें ये प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी, फिर से करनी होगी। फिर से शंकु को भर ले, देखते हैं अब क्या होता है। ये भर आ गया हमारा शंकु, थोड़ा सा और लगेगा। ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, इसको फिर से वैसे ही हमें इसकी सतह को, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। बच्चों, अब डालें इसे। ये देखिए, इसको फिर से आराम से हम डालें ताकि सूजी बाहर ना गिरे। देख लेते हैं, तो शंकु जो है इसे सूजी हम डाल दे रहे हैं और बेलन जो है वो भरता जा रहा है। इसे आराम से भरे ताकि सूजी जो है वो गिरे नहीं बाहर। ये देखिए, ये पूरा जो बेलन है हमारा, ये पूरा, ये देखिए, तो इसे देखिए, अब देखिए ये पूरी तरह से, यदि सतह को हम इसे प्लेन कर लें तो आप पाएंगे कि ये बेलन जो है वो पूरी तरह से भर गया है। और ये कितनी बार में हुआ, इस शंकु से जब हमने सूजी को तीन बार में पूरी तरह भर कर डाला तो ये बेलन जो है ये तीन बार में भर गया। तो आपको इन दोनों के आयतन में क्या संबंध दिखाई दिया? यदि आधार का क्षेत्रफल समान हो और समान ऊंचाई हो तो ऐसे बेलन और शंकु का आयतन में देखा हमने कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तीन गुना हुआ। या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समान ऊंचाई वाले और समान आधार के क्षेत्रफल वाले शंकु और बेलन में शंकु का आयतन उसका एक तिहाई होता है और बेलन का आयतन हमने कितना देखा था, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, तो उसका एक तिहाई यानी कि उसमें तीन का भाग देना पड़ेगा। तो हमें मिला
एक बटे तीन गुणित पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई क्या? शंकु का आयतन।